गुड मॉर्निंग। ये हमारे पास दो तरह का आयरन का कैप्सूल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक हमारे पास जो कैप्सूल है ये मार्केट का कैप्सूल है, और ये जो हमारे पास है ये टियांस का हम लोग कैप्सूल है एफी प्लस का। ये दोनों में आज हम आपको कुछ बताएंगे कि मार्केट का कोई भी इस तरह का कैप्सूल और हमारा जो हमारे पास जो टियांस का कैप्सूल आता है, ये दोनों में कितना बड़ा फर्क है और बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है हमारा ये कैप्सूल और ये कितना हानिकारक है। जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे हैं, जैसे इससे हम एक कैप्सूल निकाल लिए हैं और इससे भी हम कैप्सूल निकाल लेते हैं। ये दोनों कैप्सूल में अगर पैसे की बात की जाए तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ये 8 रुपये का एक कैप्सूल आता है और ये 10 रुपये का एक कैप्सूल आता है, लेकिन दोनों में कितना बड़ा फर्क है 2 रुपये के कारण ही ये आपको हम आज दिखा रहे हैं। ये हमारे पास एक मैग्नेट का छोटा सा डिवाइस है, जिसको हम जब ये दोनों कैप्सूल के पास लेकर के जाएंगे तो ये दिखाएगा कि किसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे अगर मार्केट वाले कैप्सूल से अगर हम सटाते हैं तो ये हल्का अट्रैक्ट होगा, कि जैसा जानते हैं कि मैग्नेट से आयरन का कण जो होता है वो अट्रैक्ट होता है, और इसमें आयरन का कण पाया जा रहा है, इसीलिए तो ये पूरा अट्रैक्ट हो रहा है। देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इस कैप्सूल की बात की जाए टियांस के कैप्सूल की, ये बिल्कुल भी कुछ भी अट्रैक्ट नहीं, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ रहा है। इस पे हिलाने पे ये सिर्फ हिल रहा है, ऐसे कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये जो तो कैप्सूल है, तो डॉक्टर लोग के पास अगर आप लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर इसको तो आपको दे रहे हैं खाने के लिए, और साथ में आप देखते होंगे कि जो भी आयरन का कैप्सूल खाते हैं उनको कब्जियत का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर लोग इस चीज को पहले से जानते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन का भी कैप्सूल दे देते हैं साथ में, कि उनको कब्जियत के बारे में पता ना चले। लेकिन इसमें कब्जियत ना हो या फिर जिसको कब्जियत होती है उसके लिए भी इसमें साइड से इसमें ऑटोमेटिक इसमें फॉलिक एसिड का यूज किया गया है, जो कि आपको कब्जियत होने नहीं देगा, क्योंकि आयरन का जो कैप्सूल होता है वो ज्यादातर कब्जियत बनाता ही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके बाहर का जो लेयर है ये आपका बॉडी के लिए फायदेमंद है कि नहीं, ये गलता है कि नहीं गलता है आपके शरीर में, कितने घंटे में ये गलेगा, और हमारा जो कैप्सूल है ये कितने देर में गलेगा ये हम आपको दिखाएंगे, और इसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितने देर में गलेगा या फिर नहीं गलेगा। मेरे पास दो ग्लास है, दोनों ग्लास में हम दोनों के कैप्सूल को अलग अलग करके इसमें मिक्स कर रहे हैं और देखेंगे कि ये गलता है कि नहीं गलता है। और इस कैप्सूल का जो ये परत है इसको हम साइड में रखेंगे। अभी इसमें से पूरा कैप्सूल का ये जो था वो निकाल दिया गया है। अब इसको मिक्स करते हैं। एक मिनट इसको इसी तरह से रख देते हैं अभी थोड़ी देर, एक मिनट के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें चेंजिंग आया है दोनों में। एक मिनट के बाद हम देख रहे हैं, ये पूरा घुल गया है। इसमें कोई भी कंसंट्रेटेड या फिर कोई भी इसका जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आपको इसमें नहीं दिख रहा है।
लेकिन अगर हम मार्केट वाले का देखा बात करें तो मार्केट वाले में देखिए कि नीचे में किस तरह से इसका जो काला कलर का है ये जम गया। इससे पता चलता है कि ये हम लोग के शरीर के लिए कितना हानिकारक है और ये अच्छी तरह से घुला भी नहीं है। इसका जो माइनर माइनर पार्ट है ये अभी भी पानी में तैर रहा है और इसका जो है ये पूरा घुल गया है। आप देख रहे हैं नीचे में भी कुछ भी जमा हुआ नहीं है। ये हमारे टियांस का प्रोडक्ट है, टियांस का एसी कैप्सूल है और बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे हम पानी का प्लेट लिए हैं। इस पानी का प्लेट में हम जो कैप्सूल हमारा कैप्सूल का जो ये कैप्सूल का जो ये बैग है इसको हम देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में जाकर के गलता है या नहीं गलता है। ये हाथ में जो है मेरा ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये टियांस का एपी कैप्सूल है और ये जो प्लास्टिक की तरह रेड कलर का जो दिख रहा है ये मार्केट का कैप्सूल है। ये दोनों को हम पानी में डाल देते हैं और देखेंगे कि दोनों गलता है या नहीं गलता है। ये जो हम लोग का कैप्सूल बना हुआ होता है ये मिल्क फैट का बना हुआ होता है, प्योर मिल्क फैट का। और ये जो कैप्सूल है मार्केट का ये आपका जिलेटिन का बना हुआ होता है जो कि हम लोग के बॉडी में अच्छे से घुलता नहीं है और बहुत टाइम लेता है घुलने में। इसको जब पानी में घुल गया है तो ये इसको छूने के बाद प्योर ये रबड़ की तरह हो गया है, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल घुल गया है क्योंकि देख रहे हैं मिल्क फैट की तरह ये पूरा नीचे जम गया है। ये देख रहे हैं ये प्योर आपका मिल्क फैट होता है, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल रबड़ की तरह है। देख रहे हैं